हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है संवाद लेखन, दो मित्रों के बीच प्रदूषण के बारे में संवाद। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तनीषा, सुहानी तुम बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, क्या बात है? सुहानी, हाँ तनीषा, बढ़ते प्रदूषण के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, इस वजह से सबका जीना भी मुश्किल हो गया है। तनीषा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारे विचार से प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सुहानी, प्रदूषण बढ़ने के अनेक कारण हैं, जैसे गाड़ियों का धुआं, वनों की अंधाधुंध कटाई, कारखानों से निकलने वाला धुआं, कचरे का ढेर, रासायनिक पदार्थ और भी अन्य कई कारण हैं। तनीषा, इन सब के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं और इनकी वजह से अनेक बीमारियां पनपती जा रही हैं। सुहानी, आजकल तो सुबह शाम सैर करने का मन भी नहीं करता। तनीषा, हाँ वायु, जल, ध्वनि और भूमि प्रदूषण सब बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। सुहानी, हम सब लोग अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, जो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। तनीषा, सुहानी, लेकिन कुछ लोग पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। सुहानी, हाँ सभी लोगों को पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए अनेक प्रयास करते रहने चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तनीषा, हाँ जैसे कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जो प्रदूषण की रोकथाम का सबसे अच्छा माध्यम है। सुहानी, सही कहा तनीषा, कल अपनी सोसाइटी के लोग मिलकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे आसपास की सोसाइटी के और भी लोग जागरूक हो सके। तनीषा, बहुत अच्छा विचार है, तो चलो आज रात को सोसाइटी की मीटिंग करते हैं, जिसमें वृक्षारोपण के बारे में वार्तालाप करेंगे। सुहानी, ठीक है, हम अपने आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं और खुली हवा में सांस ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।